हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको M2 Pro का फ़ोन है और आप सभी के फ़ोन में कॉम्प्रेस कॉल नहीं हो पा रहा है, यानी कि तीन लोग एक साथ बात नहीं कर पा रहे, यानी कि जो है उसको जो है कॉम्प्रेस कॉल बोलते हैं। तो दो से अगर ज़्यादा लोग बात करते हैं एक साथ तो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में जो है कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में ये जो डायल पैड का ऑप्शन आ रहा है उसको आपको अपने फ़ोन में लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट में स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सबसे नीचे में क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसका डाटा क्लियर कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन का और कॉल लॉक का जो परमिशन आ रहा है उसका परमिशन आपको दे देना है। और यहाँ पे आप सभी का परमिशन दे सकते हैं और कॉन्टैक्ट का भी परमिशन आपको अलाउ कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर जो है अगर आपको जो है आपके फ़ोन में फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो यहाँ पे आप जो है अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए या तो फिर स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए। तो इसके बाद आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।